सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर एप्लीकेशन में दोस्तों आप यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए यहां पर जो लोन अमाउंट आपको यहां पर फर्स्ट टाइम में जो दोस्तों आपको यहां पर मिलने वाला है इस लोन एप्लीकेशन से, भाई यहां पर दोस्तों 3000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक आपको दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन से आपको दोस्तों यहां पर फर्स्ट टाइम में आपको यहां पर लोन मिलने वाला है। भाई यहाँ पर जो एप्लीकेशन होने वाली है बहुत ही शानदार लोन एप्लीकेशन होने वाली है। अगर भाई आपको यहाँ पर अर्जेंट में दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है, यानी कि 10000 रुपए से लेके आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो भाई दोस्तों यहाँ पर आंख मीच के दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन में आप अप्लाई कर दीजिए। आपको दोस्तों 100% आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन में अगर भाई आपको मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए की आपको लिमिट मिल जाती है, तो भाई दोस्तों जो इसका यहाँ पर टर्नओवर रहने वाला है, भाई यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर टर्नओवर दिखा रहा है, भाई आपका यहाँ पर टर्नओवर रहने वाला है 24 मंथ के लिए। जो भी दोस्तों यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन से आपके ऊपर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर 14% से लेकर 36% तक आपके ऊपर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल एकदम न्यू लोन एप्लीकेशन होने वाली है। अगर भाई आप अप्लाई करना चाहते हो, आप दोस्तों यहाँ पर लोन लेना चाहते हो पर्सनल लोन वो भी इंस्टेंट लोन, तो भाई ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पर लोन एप्लीकेशन एकदम यहाँ पर शानदार होने वाली है। RBI और NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने वाली है। आपका दोस्तों यहाँ पर डाटा वगैरह कोई भी यहाँ पर लीक नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन की एक यहाँ पर वेबसाइट भी होने वाली है। अगर भाई आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट से भी आप दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर भाई आप चाहो दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक कहाँ से मिलने वाली है, एप्लीकेशन का नाम क्या होने वाला है, भाई मैं पूरा प्रोसेस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ कैसे दोस्तों इसमें आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, पूरी डिटेल दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम में दोस्तों मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन का अबाउट सेक्शन ओपन कर लिया है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। भाई मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता चुका हूँ, भाई RBI और NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। जो भाई दोस्तों आपको यहाँ पर पर्सनल लोन दिया जाता है वो दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक दोस्तों आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। जो भाई आपके यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है वो दोस्तों यहाँ पर 2% से लेकर 10% तक आपके ऊपर यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। मैं दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुका हूँ और भाई आपको यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन का दोस्तों यहाँ पर नाम मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ, वो दोस्तों आप वेट कर लीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम में आप ओपन करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि भैया आपकी जो भी लोकेशन है आपको यहाँ पर ओके श्योर पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। जो भाई दोस्तों आपको यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल लोन जो आपको यहाँ पर मिल रहा है इंस्टेंट के इंस्टेंट जो आपको यहाँ पर लोन मिलता है वो दोस्तों यहाँ पर आपके 50000 रुपए तक भी आपको लोन मिल जाता है, अगर भाई आप 5 मिनट में लोन लेना चाहते हो तो। जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 महीने से लेकर दोस्तों आपका 12 महीनों का यहाँ पर टर्नओवर रहने वाला है अगर भाई ये लोन लेते हो तो। अगर भाई आपको दोस्तों यहाँ पर ज्यादा लोन लेना है तो भी उसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पर टर्नओवर भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया RBI और NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने वाली है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे RBI और NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और भाई यहाँ पर बहुत ही शानदार लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। एप्लीकेशन दोस्तों मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे की साइड में दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे की साइड में प्रोसीड का आपके पास में ऑप्शन शो हो रहा है, प्रोसीड पर दोस्तों आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक हेयर पर्सनल लोन, इस पर दोस्तों आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपके पास में एक OTP सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और एक आपके यहां पर ईमेल आईडी पर, वो दोस्तों आपको यहां पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा, वो दोस्तों यहां पर आपके फोन में ही आपको यहां पर शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहां पर आ चुका है। आपको दोस्तों यहां पर टोटल आपको 6 यहां पर स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, जैसा कि यहां पर आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको यहां पर बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद में दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है, उसके बाद में जो
भी यूजर होता है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होती है। तीसरे में दोस्तों आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर आप सैलरीड हो तो भाई यहाँ पर आपको बताना होता है। तीसरे में यहाँ पर दोस्तों पांचवे में आपको यहाँ पर एजुकेशन आपको यहाँ पर बतानी होती है। छठे में दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने पड़ते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट ये मांगता है वो। जैसा कि मेरे केस में यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर जेंडर सर्च करना है, यहाँ पर लास्ट नेम, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर पासवर्ड आपको फिल कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर कर दिया है सब कुछ फिल। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और भाई आपके नंबर पर यहाँ पर आपकी एक ओटीपी सेंड किया जाएगी। ओटीपी यहाँ पर आपको वेरीफाई करवा देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया और भाई मैंने ऊपर की साइड में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड कर दिया और भाई यहाँ पर सेंड ओटीपी पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके यहाँ पर जैसे वेरीफाई करवा देते हो आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ मेरे पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर जैसा कि ऊपर की साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। यहाँ पर ओके पर दोस्तों आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर टिक का निशान आ भी चुका है। सेकंड स्टेप में दोस्तों आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक होगी कि भाई आपको कितने रुपए की आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो भी आप लोन लेना चाहते हो। तो 2000 रुपए से लेकर दोस्तों आप 5 लाख रुपए तक इस लोन एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको लोन अमाउंट डालना है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने टर्नओवर के लिए आप लेना चाहते हो वो यहाँ पर आपको फिल करना है, किस पर्पज के लिए लेना चाहते हो वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर मैरिज स्टेटस में दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है, जो भी आपकी होगी वो, और भाई यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है जो भी आपकी होगी। और भाई नीचे की साइड में यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे कि दोस्तों मेरे केस में यहाँ पर 50,000 रुपये के मैंने यहाँ पर कर दिया है अमाउंट, और भाई यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर टर्नओवर कर दिया है 12 महीने, और भाई यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर पर्पज में डाल दिया है अदर। वो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आप जिस भी पर्पज के लिए लेना चाहते हो वो। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल इनकी कर दी है कंप्लीट। कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉय डिटेल पर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो। तो भाई आपको दोस्तों यहाँ पर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर भाई आप सैलरीड हो तो भाई आप यहाँ पर सैलरीड ही डालिए, अगर भाई आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो भाई आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय डालिए, क्योंकि भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह आपके दोस्तों यहाँ पर लगने वाले हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है सैलरीड, और भाई यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में जो भी आपकी सैलरी होगी मंथली वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद में जो भी दोस्तों आपके यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो कायम आती है वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में जैसा कि यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यूजर्स डिटेल आपके यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। मेरे केस में जैसे कि आपके यहाँ पर आपको जो भी आपका फादर्स का नेम होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर लास्ट नेम आपको फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मैंने जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है, जो भी आपका एड्रेस होता है वो दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना पड़ता है। मैंने दोस्तों अपना एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वेट कर लेते हो आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड होगा वो। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर लास्ट स्टेप बचा है, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर लगने हैं इस लोन एप्लीकेशन में, वो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मैंने यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल दिया है, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। नीचे की साइड में यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हो वो। उसके नीचे की साइड में दोस्तों यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। उसके बाद में अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी कंप्लीट कर ली है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों नीचे की साइड में अगर भाई आप नीचे की साइड में आओगे तो भाई यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में जो भी दोस्तों आप यहाँ पर शुरू में डाल देते हो, एम्प्लॉय टाइम में आप जो भी डालते हो, जैसे कि आप सैलरी डालते हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय डालते हो, जो भी आप वहाँ पर डालते हो उसी का दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रूफ देना होता है, डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर फिल करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पर कर दिया है सैलरी, मैंने यहाँ पर सैलरी पर ऑलरेडी क्लिक कर रखा है। तो भाई मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर अपनी जो भी आपकी जो भी मेरी सैलरी स्लिप है 3 महीने की सैलरी स्लिप, और भाई यहाँ पर लास्ट 3 मंथ का आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ, और भाई मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर वेट करूँगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं
जैसे आप यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपको लिमिट मिलनी होगी वो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर शो हो चुकी है। इन बंदे के पास में यहाँ पर लिमिट शो हो चुकी है, तो भाई आपके पास में भी यहाँ पर लिमिट शो हो जाएगी। मैंने दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर लिया है और भाई यहाँ पर मैं देखता हूँ 1 से 2 दिन में दोस्तों मेरे को यहाँ पर पता चल जाएगा जितनी भी लिमिट मेरे को यहाँ पर मिलनी होगी वो। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। एप्लीकेशन का दोस्तों यहाँ पर नाम होने वाला है I2I फंडिंग पर्सन लोन एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन दोस्तों आपको आसानी से प्ले स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगी, जाके दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर एकदम यहाँ पर जेन्युइन होने वाली है, एकदम दोस्तों यहाँ पर न्यू लोन एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। अगर भाई आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो भाई प्ले स्टोर पर जाइए और भाई यहाँ पर ये नाम सर्च कर लीजिए, आपको दोस्तों एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अगर भाई आपको एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन से आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलता है तो भाई काफ़ी सारे लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, जाके दोस्तों एक बार यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और भाई उनमें दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे दोस्तों ये एप्लीकेशन यहाँ पर शानदार होने वाली है, एक बार इसमें दोस्तों यहाँ पर ट्राई करके जोर देखिए। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए।